हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सरोज पेंसिया इंग्लिश एजुकेशन। आज हम इस लेक्चर के अंदर जो हमारी एक्सरसाइज सीरीज चल रही थी उसी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा नाउन। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। इसके अंदर देखिए, नाउन जो सीरीज है हमारी, जो हमारी एक्सरसाइज सीरीज है उसके अंदर देखिए, जो हमारी एक्सरसाइज वन दी गई है और हमारा जो ये टॉपिक है कौन सा है, नाउन है। तो नाउन को ही हम इसके अंदर क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, और नाउन से रिलेटेड ही क्या है अब हमें ये एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके अंदर देखिए कि नाउन हमें पता है कितने टाइप के होते हैं, थ्योरी हम कर चुके हैं। हमने क्या करना है, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक के अंदर ये एक्सरसाइज दी गई है उसको समझेंगे कि एग्जाम में कैसे आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द प्रॉपर फॉर्म्स ऑफ द नाउन्स। ठीक, प्रॉपर फॉर्म्स है नाउन्स की, वो हमने यूज करनी है, और ये हमें ब्लैंक्स दिए गए हैं, कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं इनके अंदर। तो सिंगुलर और प्लूरल, द नाउन फॉर ईच सेंटेंस इज गिवन इन ए ब्रैकेट एट इट्स एंड। तो यहाँ पर क्या है, द नाउन फॉर ईच सेंटेंस, ईच सेंटेंस के बाद में यहाँ पर क्या दिया गया है, एक नाउन दिया गया है, हमें इसको यूज करना है। तो इसके अंदर देखिए, जो फर्स्ट सेंटेंस है वो क्या है, फर्स्ट सेंटेंस इज ऑल द, यहाँ पे ब्लैंक दे दिया गया है, डैश दिया गया, डैश हैज बीन कंज्यूम्ड। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, किसका यूज करना है, शुगर का यूज करना है। क्यों करना है, एक बात देखिए, इसको यूज करने से पहले मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगी कि ये जो रूल दिए गए हैं, इसके अंदर जो सेंटेंस दिए गए हैं, इसके अंदर कुछ रूल हमें क्या है, जो एक टॉपिक है हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड भी है ये जो एक्सरसाइज है। अपने कह सकते हैं कि इसके कुछ रूल है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, होते हैं यहाँ पर। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान में रख के चलना होगा इस एक्सरसाइज को करते टाइम, क्योंकि आंसर तो हमें इसके अंदर दे ही दिए हैं, तो हमें कैसे क्या करना है ये देख लीजिए। कि यहाँ पर जो फर्स्ट सेंटेंस मैंने रीड किया था, तो इसके अंदर ऑल द शुगर, यहाँ पर आंसर क्या आएगा, शुगर आएगा, शुगर हैज बीन कंज्यूम्ड। तो इसके अंदर हमने क्या, ऑल द शुगर, तो कौन सी सभी, पूरी जो शुगर है उसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या है, इसके बाद में जो वर्ब आएगी वो हमेशा ही क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। ठीक है, ये हमें इस नाउन के बाद में जो वर्ब आ रही है वो क्या आएगी, सिंगुलर, ये हमें ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि ऑल द शुगर हैज बीन कंज्यूम्ड, तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर ऐसे नहीं कि जो शुगर आती है, शुगर के साथ में हमने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हमने क्या है, जो वर्ब है उसके अकॉर्डिंग ही लगानी है। यहाँ पर ऑल द शुगर सारी, मतलब पूरी जैसे शुगर की बात हो रही है, तब यहाँ पर जो हमने कंज्यूम्ड किया उनकी बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या आएगा, शुगर आएगा, और इसके साथ में क्या आएगा, हैज का यूज होगा। इट मीन कि जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस चलते हैं। इसके अंदर देखिए कि द डैश इज एक्सपेक्टेड टू अराइव टूडे, तो यहां पर टीम दिया गया है। अब यहां पर टीम दिया गया है, तो टीम को लेकर हमने क्या करना है, आंसर क्या करना है कि टीम, टीम यहां पर दिया गया है, तो हमने यहां राइट किया टीम, द टीम इज एक्सपेक्टेड टू अराइव टूडे। तो यहां पर पूरी टीम की बात हो रही है, तो यहां पर टीम मतलब कलेक्टिव नाउन की यहां पर बात हो रही है। तो कलेक्टिव नाउन की यहां पर बात हुई, तो यहां पर हमने जो वर्ब लगाई है वो क्या लगाई है, सिंगुलर लगाई है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन हैं जिनके साथ में जो वर्ब आएगी वो हमने क्या करनी है, सिंगुलर का यूज करना है। वहां पर हम ऐसे नहीं कि द टीम, पूरी टीम की बात होगी, टीम के अंदर कितने पर्सन होते हैं, 12 होते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर प्लूरल का यूज करेंगे, नहीं, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का ही यूज करना है, और यहाँ पर क्या है, सिंगुलर वर्ब ही आएगी अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। इसके अंदर देखिए कि गुड डैश इज एक्सपेंसिव, यहाँ पर कटलरी दिया गया है, तो यहाँ पर कटलरी आएगा, और इसके साथ भी क्या आएगा,
कि हम कटलरी के अंदर क्या है, छुरी कांटा जैसे काफी सारी चीजें होती है। इसका मीन ये नहीं है कि हम इसके साथ भी क्या है वर्ब का, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। यहाँ पर ये जो वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। तो ये कुछ नाउन्स हमें दिए गए हैं इन ब्रैकेट्स के अंदर, उनका हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये क्या है, ये प्लूरल नाउन है और इनके साथ हमने जो वर्ब यूज करनी है वो सिंगुलर यूज करनी है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। कैसे करेंगे ये चीज इसके अंदर समझाई गई है। तो देख लीजिए, गुड कटलरी इज एक्सपेंसिव। तो गुड कटलरी जो होती है वो कैसी होती है, एक्सपेंसिव होती है, ठीक है। तो ये ऐसे रहेगा सेंटेंस। नेक्स्ट चलते हैं कि अलॉट ऑफ डैश वॉज ड्रंक। तो यहाँ पर मिल्क आ जाएगा, तो अलॉट ऑफ मिल्क वॉज ड्रंक। तो यहाँ पर अलॉट ऑफ के साथ में हमने क्या करना है, वो जो वर्ब का यूज करना है वो भी सिंगुलर का ही करना है। ये यहाँ पर हमें ध्यान में रखना है कि अ लॉट ऑफ के साथ में हमने कौन सी वर्ब यूज करनी है, सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। ऐसे नहीं कि अ लॉट ऑफ देख के हम क्या लगा दें, वर्ब लगा दें, ऐसा कभी नहीं होता है। हमने अ लॉट ऑफ के साथ में हमेशा ही जो वर्ब यूज होती है कौन सी यूज होती है, सिंगुलर वर्ब का ही यूज होता है। ये हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। इसके अंदर देखिए कि द डैश हैज नाउ बीन स्पेंट। तो इसके अंदर देखिए कि हमने क्या लगाना है, मनी लगाना है। यहाँ पर मनी की अगर बात करते हैं तो भी एक सोच लेते हैं कि मनी तो बहुत ज्यादा होती है, पैसे तो बहुत ज्यादा होते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पर सोच के अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग करें, रूल के अकॉर्डिंग बात नहीं कर रही, कि ऐसे नहीं कि अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई यूज करना है। रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आएगा कि हैज का यूज होगा, इट मीन कि सिंगुलर वर्ब का ही यूज होगा, ठीक है। और एक सेंटेंस पे भी डिपेंड करता है कि वो कैसे दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग भी हम क्या लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे। पर यहाँ पर इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, कि द मनी हैज नाउ बीन स्पेंट। जो मनी थी मेरे पास वो क्या हमने स्पेंड कर चुके हैं। तो ये चीज इसके अंदर बताई गई है। आई होप आपको ये जो एक्सरसाइज है समझ आ चुकी है, क्योंकि आपके जो एनसीईआरटी के अंदर सिंपल ये साथ में दे दिया, ये ब्रैकेट के अंदर आपको जो नाउन्स है, तो थोड़ा आपके लिए कंफ्यूजन थी, तो मैंने सोचा कि ये एक्सरसाइज आपको करवानी चाहिए अच्छी तरह, तो ये मैंने करवाई है। तो नेक्स्ट के अंदर मैंने क्या किया है, ये स्लाइड के अंदर आपको ये आंसर दे दिए गए, आप ये चेक कर लीजिएगा। और नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर एक नई मतलब नाउन से रिलेटेड ही करेंगे अपने। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।